हेलो दोस्तों, कैसे हैं? और आज हम लोग बात करने वाले हैं उजड़ा चमन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बाला मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां तक उजड़ा चमन और बाला मूवी की बात करें, दोनों के पोस्टर भी सेम थे और दोनों मूवी देखने में भी एक जैसे लग रहे थे, लेकिन जब दोनों मूवी सामने निकल के आई तो बाला मूवी को ज्यादा पसंद किया गया और यह मूवी काफी अच्छी कमाई कर रही है। जहां तक उजड़ा चमन की कलेक्शन की बात करें तो उजड़ा चमन ने फर्स्ट डे पर कलेक्शन किया है 2,35,00,000 का और सेकेंड डे पे कमाई किया है इस मूवी ने 3,30,00,000 का और थर्ड डे यानी संडे के दिन इस मूवी ने कमाई की है 3,61,00,000 का और चौथे दिन इस मूवी ने कमाए हैं मंडे के दिन 90,00,000 और पांचवे दिन इस मूवी ने कमाए हैं 80,00,000 का और छठे दिन इस मूवी ने कमाए हैं 70,00,000 और सातवें दिन इस मूवी ने कमाए हैं 60,00,000। इसी तरह इस मूवी का फर्स्ट वीक का कलेक्शन हो जाता है 12,26,00,000 और इस मूवी ने सेकेंड वीक में कलेक्शन किया है 60,00,000। तो इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 16,70,00,000 और इस मूवी ने इंडिया में वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन किया है 12,86,00,000 और इस मूवी ने ओवरसीज से कमाए हैं 1,50,00,000। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का बजट था 20 करोड़ का, तो ये मूवी हो चुकी है फ्लॉप। अब बात करते हैं हम लोग बाला मूवी के कलेक्शन के बारे में। जहां तक बाला मूवी की बात करें तो बाला मूवी को क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छे रिव्यू दिए हैं और पब्लिक को भी ये काफी पसंद आया, जिसकी वजह से यह मूवी ने बहुत धाकड़ कमाई की है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी का कलेक्शन के बारे में। बाला मूवी ने फर्स्ट डे पर कलेक्शन किया है 10,15,00,000 और इस मूवी ने सेकेंड डे पर कमाए हैं 15,73,00,000 और इस मूवी ने थर्ड डे पर यानी संडे के दिन कमाई धाकड़ की है और इस मूवी का थर्ड डे का कलेक्शन हो जाता है 18,07,00,000 का और चौथे दिन मंडे था और मंडे की वजह से इसकी कमाई में काफी ड्रॉप देखी गई और इस मूवी ने मंडे के दिन कमाए थे 8,26,00,000 और पांचवे दिन इस मूवी ने थोड़ा सा ग्रोथ किया था और इस मूवी का पांचवे डे का कलेक्शन है 9,52,00,000 और इस मूवी ने छठे दिन पे कमाई की है 5,20,00,000 और इस मूवी ने सातवें दिन पे कलेक्शन किया है 5,31,00,000 और इसी तरह इसका फर्स्ट वीक का कलेक्शन हो जाता है 72,24,00,000। और बात करें इस मूवी के सेकेंड वीक के कलेक्शन के बारे में, तो सेकेंड वीक यानी फ्राइडे के दिन इस मूवी ने कमाया है 3,76,00,000, नौवे दिन पे कमाई किया है 6,73,00,000 और सेकेंड वीक में संडे के दिन यानी दसवें दिन इस मूवी ने कमाई की है 8,01,00,000, ग्यारहवें दिन इस मूवी ने कमाए हैं 2,25,00,000, बारहवें दिन पे इस मूवी ने कमाए हैं 2,05,00,000, तेरहवें दिन इस मूवी ने कमाए हैं 1,96,00,000 और चौदहवे दिन पे इस मूवी ने कमाए हैं 1,96,00,000 और इसी तरह सेकेंड वीक का इस मूवी का कलेक्शन हो जाता है 26,56,00,000। अब बात करें थर्ड वीक के कलेक्शन के बारे में, इस मूवी ने 15वें दिन कमाए हैं 1,35,00,000, 16वें दिन इस मूवी ने कमाए हैं यानी संडे के दिन 2,50,00,000, 17वें दिन इस मूवी ने कमाए हैं 3,22,00,000, 18वें दिन इस मूवी ने कमाए हैं 1,05,00,000 और 19वें दिन इस मूवी ने कमाए हैं 1,15,00,000 और इसी तरह इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड इंडिया का नेट कलेक्शन हो जाता है 108,07,00,000 और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 151 करोड़ और इस मूवी ने ओवरसीज से कमाए हैं 25 करोड़। तो इस मूवी के इंडिया का नेट कलेक्शन 108 करोड़ और ओवरसीज का कलेक्शन 25 करोड़, तो इस मूवी के टोटल नेट कलेक्शन हो जाता है 133 करोड़ और बाला मूवी हो चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट। दोस्तों, बाला मूवी का बजट था 25 करोड़ और इस मूवी ने कमाए हैं 133 करोड़। तो दोस्तों, आपको इस दोनों मूवी में कौन सा मूवी ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।